बीबीसी हिंदी के खजाने को खंगाला तो अनायास ही मुंह से निकला वाह। फिर निकली एक आह कि हम अपने समकालीन कवियों और उनकी कविताओं का वैसा सम्मान नहीं करते जैसा कि पहले हुआ करता था। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रकवि कहा जाता है। कैसा सुखद संयोग रहा होगा उनको आमने सामने सुनना। अपनी प्रसिद्ध कविता नील कुसुम को लंदन के कवि सम्मेलन में उन्होंने इस भूमिका के साथ सुनाया था। कविता में एक नवयुवक है जो नील कुसुम लाने जा रहा है और एक कोई अनुभवी बूढ़ा पंडित है जो उसको रोक रहा है कि बहुत लोग लाने को गए सब उधर ही रह गए तू मत जा। तो दोनों के बीच बातचीत है। पहले उस अनुभवी का कथन है यहां तिमिर आगे भी ऐसा ही तम है तुम नील कुसुम के लिए कहां तक जाओगे जो गया आज तक नहीं कभी वो लौट सका नादान मर्द क्यों अपनी जान गवाओगे। ओके प्रेमिका के लिए लाने जाता हूं तो प्रेमिका अरे उन शोक बुतों का क्या कहना वे तो यूं ही उन्माद जगाया करती हैं पुतली से लेती बांध प्राण की डोर प्रथम पीछे चुंबन पर कैद लगाया करती हैं इनमें से किसने कहा चांद से कम लूंगी पर चांद तोड़कर कौन वही पर लाया है किसके मन की कल्पना गोद में बैठ सकी किसका जहाज फिर देश लौट कर आया है। अब वो नौजवान उत्तर देता है ओ नीतिकार तुम झूठ नहीं कहते होगे बेकार मगर पगलों को ज्ञान सिखाना है मरने का होगा खौफ मौत की छाती में जिसको अपनी जिंदगी ढूंढने जाना है तुम लाशें गिनते रहे खोजने वालों की लेकिन उनकी असलियत नहीं पहचान सके मुर्दों में केवल यही जिंदगी वाले थे जो फूल उतारे बिना लौट कर आ न सके। नील कुसुम की फुलवारी मैं एक फूल तो किसी तरह ले जाऊंगा जूड़े में जब तक भेंट नहीं यह बांध सकूं किस तरह प्राण की मणि को हृदय लगाऊंगा।